शहीद हुजा जी, रादर ने कहा शहीद हुजा जी हमारी नौजवान नस्ल के लिए हुज्जत है। कौन नस्ल? जो जिनको इंटरनेट से छुटकारा ही नहीं मिलता है, जिनको मोबाइल से कुरान पढ़ने के लिए छुटकारा ही नहीं मिलता है, जिनको मोबाइल से छुटकारा ही नहीं मिलता है ताकि वो आवाले वक्त सो जाए ताकि सुबह आवाले वक्त खड़े हो जाए, जिनको पैसा कमाने के बाद ये जज्बा नहीं है कि वो जो कमाए उसका आधा राय हुसैनी में खर्च करे। मोबाइल तो वो 50,000 का लेने से नहीं कतराते हैं, लेकिन 10,000 हुसैन के कलाम को आम करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, छपाने के लिए नहीं दे सकते हैं। मोबाइल के लिए पैसा देना आसान है, हुसैन के पैगाम को आम करने के लिए जब कोई चंदा जमा करता है तो किसी के जेब में हाथ नहीं जाता है। और ये अजीम इंसान ना अपनी बीवी का ख्याल करते हैं और ना अपने मासूम बच्चों का ख्याल करते हैं और ऐलान करते हैं, बेटे तुम्हारी भी मोहब्बत है लेकिन तुमसे ज्यादा अली इब्ने हुसैन अली की बेटी ज़ैनबे कुबरा की हुर्मत की मोहब्बत है। यह हमारे लिए हुज्जत है। यानी कल जब मैं इस मिंबर पर बातें करता हूँ, कल इमाम मेहदी जब मेरे रूबरू होंगे, कहा मेरे लिए क्या किया था, मैंने कर्बला में खून दिया था, मेरी बहन की तरह किसने खून का पैगाम पहुंचाया? डॉक्टर अली शरीफ कहते हैं, डॉक्टर अली शरीफ ही कहते हैं, भाई दो ही काम है इस दुनिया में, या तो हुसैन की तरह खून देना है या ज़ैनब की तरह शहादा के खून का पैगाम पहुंचाना है। या तो शहीद हुजा जी को हमारे सामने खड़े करेंगे, कहेंगे ये भी तो तुम्हारे जैसा जवान था, ये भी तो क्या बहाना बनाते हो, जमाना खराब था, क्या बना बहाना बनाते हो, नहीं हो सकता है, क्या बहाना बहाना बना सकते हो, पैसा नहीं है, क्या बहाना बना सकते हो, हम शैतान से नौजवानों को बचाए और उनको इमाम मेहदी का साथी बनाए, उनका हाथ इमाम मेहदी के हाथ में दे, उनका हाथ बीबी जहरा के हाथ में दे, उनका हाथ अहले बैत के हाथ में दे, हजारों वो हाथ जो इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए असीर हो चुके। तो फरमाते ये हुज्जत है, कल ये जवान हमारे सामने खड़ा होगा, इमाम मेहदी इसको खड़ा करेंगे, देखो ये भी तो था, इसके पास कुछ नहीं था, पार्ट टाइम में कमाता था, घर की तरक्की के लिए नहीं, घर में एक और तबका बनाने के लिए नहीं, एक और स्टोरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि नौजवानों की तरबियत के लिए, इमाम मेहदी की नस्ल तरबियत करने के लिए, इमाम मेहदी का लश्कर तैयार करने के लिए, इमाम मेहदी के लिए बेटियों को तैयार करने के लिए, इमाम मेहदी के लिए औरतों को तैयार करने के लिए, इमाम मेहदी के लिए ज़ैनबी किरदार की हामिल खवातीन को तैयार करने के लिए काम कर रहा था।